एक रिसर्च के अनुसार 98% लोग अपने सपनों को पूरा किए बिना जिंदगी जी रहे हैं और उनको पूरा किए बिना मर जाते हैं। लेकिन सिर्फ 2% लोग ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है भला कि सिर्फ 2% लोग ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं और 98% लोग नहीं बन पाते? तो यह सब होता है उनकी सोच की वजह से, उनकी थिंकिंग की वजह से। मतलब सोचते तो सब बड़ा ही है कि मुझको मिलियनेयर बनना है, मुझको बिलियनेयर बनना है, मुझको ये गाड़ी चाहिए, मैं ये चीज लूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो बोलते तो कुछ और ही है लेकिन करते कुछ भी नहीं। फेलियर से वो लोग डर जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन असल में फेलियर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वो बस एक टेम्पररी डिफीट होता है। असली फेलियर तो वह है जब आप अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर गिव अप करना शुरू करते हो। बहुत सारे लोग, यानी उस 98% कैटेगरी में आने वाले लोगों को अगर कोई काम करने को दिया जाए तो वह लोग ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिसकी वजह से वह काम नहीं कर सकते। वो लोग यह सोचते हैं कि यह काम मैं करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, इस काम को करने में मुझे बहुत मेहनत लगेगी, मेरे पास साधन संपत्ति नहीं है इस काम को करने के लिए, ऐसा सोचकर भी काम को टालते हैं। लेकिन जो 2% कैटेगरी में लोग आते हैं, यानी जो असल में सक्सेसफुल बनते हैं, वे लोग यह सोचते हैं कि इस काम को टालने के बजाय मैं इस काम को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं इस काम को और भी कैसे आसान बना सकता हूँ। यह लोग लोगों की परवाह नहीं करते, लोगों के बारे में नहीं सोचते, वे सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग यह नहीं सोचते कि यह काम करने से मुझको कितना ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि पैसा तो सेकेंडरी है, वो तो आएगा जाएगा। लेकिन वह लोग यह सोचते हैं कि इस काम को करने से मुझे जो खुशी मिलती है वो मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकती, और उस काम की खुशी के लिए वो लोग काम करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी शुरू की थी तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझको इस कंपनी से कितना ज्यादा मुनाफा होगा, बल्कि उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स पर फोकस किया और उनका सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया। उन्होंने आउटकम के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने काम के बारे में सोचा। शायद उनकी महान सफलता का एक छोटा सा उदाहरण है। और एक अंतर है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में कि अनसक्सेसफुल लोग अपने फेलियर से कुछ भी नहीं सीखते, बल्कि सक्सेसफुल लोग अपनी फेलियर्स की सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ते हैं। फेलियर से वे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि जब सक्सेस मिल जाती है तब आदमी सोचना बंद करता है, लेकिन जब फेलियर आता है तब दिमाग के दरवाजे खुले हो जाते हैं और आदमी यह सोचता है कि मैं फेल क्यों हुआ, मैंने कहां पर गलती की, मुझको कैसा और अच्छा इसको बनाना चाहिए। ऐसे सवाल वो खुद से पूछने लगता है। और अपने आप से सवाल करने की सक्सेसफुल लोगों की खूबी होती है जो अनसक्सेसफुल लोगों में नहीं होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप दिन में कम से कम एक बार तो अपने आप से बात कर लीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हर रोज एक मीटिंग को कैंसिल कर रहे हो। इसलिए अपने आप से बात करना सीख लीजिए। यह एक सक्सेसफुल लोगों की हैबिट का एक हिस्सा होता है। प्रसिद्ध लेखक नेपोलियन हिल ने कहा है कि डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। डिजायर, वो भी किसी काम का, किसी चीज का नहीं। आप लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए जो आपको हर रोज मोटिवेट करता रहे, आपको एनकरेज करता रहे। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए जो सही समय पर आपके इमोशंस को कंट्रोल करे, आपकी आदतों को कंट्रोल करे, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करे, ताकि किसी भी हालत में आप डह ना जाओ। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो उन 2% लोगों की तरह सोचना शुरू कर दीजिए जिनको ना फर्क पड़ता है सक्सेस फेलियर से, ना फायदे नुकसान से, फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने काम से, अपने काम के प्रति प्यार से।